नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप लोग देख रहे हैं इन नटशल। देखिए, ये जो डिस्कशन है ना, इस डिस्कशन के एक्चुअली दो पहलू हैं। पहला पहलू यह है कि एक सवाल हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि हाउ टू डेवलप पर्सनालिटी, और दूसरा सवाल ये होता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम पर्सनालिटी को डेवलप करने की वजह से एक स्पेसिफिक फील्ड ऑफ जॉब ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन के कई सारे साल UPSC सिविल सेवा के एग्ज़ाम की तैयारी में दिए हैं, तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एक IAS की तरह सोचना या एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचना, उसकी वो एस्पायर करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करना, अपार्ट फ्रॉम नॉलेज आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई जो एक एस्पेक्ट है एग्ज़ाम का, इस पर बहुत लोग जो है बहुत सारा समय लेते हैं, और ऐसा भी नहीं है, ये गलत बात है, बिल्कुल देना भी चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है कि एक लेवल पे आके ना आपके दिमाग पे सैचुरेशन आ जाता है। क्योंकि लक्ष्मीकांत पढ़ पढ़ के एक पॉइंट आता है कि अब आपको अच्छा नहीं लगता, और दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो आज मैं आप लोगों को सामने एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करूंगा जो शायद आपके पढ़ाई को एनहांस करे, आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करे, और बेहतरीन तरीके से आप अपने समय को जो है वो यूटिलाइज कर सकें। तो टॉपिक ये है कि एस्पिरेंट्स को और इन जनरल सारे लोगों को ऐसी कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स देखनी चाहिए YouTube पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जो देखनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट और उसका एक छोटा सा एनालिसिस। मैं शुरू करता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज से, जो डॉक्यूमेंट्रीज आपको देखने चाहिए। नंबर वन, द स्टोरी ऑफ इंडिया बाय BBC। देखिए, ये जो है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है, पार्ट्स में आती है, लंबी है, लेकिन यू मस्ट वॉच इट, बिकॉज ये जो है एंशियंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल तक कवर करती है। इन सारे डॉक्यूमेंट्रीज की लिस्ट डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगी। तो द लिस्ट गोज लाइक दिस, कि द स्टोरी ऑफ इंडिया बाय BBC। दूसरा, संविधान एक ऐसा वेब सीरीज है, रादर एक यूट्यूब पे एक सीरीज चली है 10 एपिसोड्स की, श्याम बेनेगल जी द्वारा। बहुत 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 सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंट्रीगिंग है, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके होंगे कई लोग, उससे कहीं ज़्यादा आपको ये आपकी नॉलेज पे एनहांस करेगा, क्योंकि एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट, एक नाटक के रूपांतर हमेशा एक इम्पैक्ट ज़्यादा, एक छाप छोड़ कर जाता है, एक ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो संविधान बाई श्याम बेनेगल जी। उसके बाद एक और वेब सीरीज है, ABB के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, शेखर कपूर ने एंकरिंग करी थी पूरे शो की, दैट इज प्रधानमंत्री। जरूर देखना चाहिए आपको, खास करके ये उस एस्पेक्ट को कवर करेगा, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट किस तरीके से घटनाएं घटी हैं, चाहे वो कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया या कंसोलिडेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट से हो, चाहे वो इंदिरा गांधी के एरा में क्या क्या हुआ था उससे हो, चाहे वो JP मूवमेंट से हो, टिल द इकोनॉमिक लिबरेशन यहां तक पहुंच सकते हैं। तो मतलब 50s से लेकर 1990s तक बहुत सुंदर तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पोस्ट इंडिया के लेक्चर्स और उसके सीरीज मैं अपलोड करता रहूंगा अपने इस चैनल पे, जिस पे नोट्स भी रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात हम कर रहे हैं कि उन नोट्स को पढ़ने के बाद या उन लेक्चर्स को मेरे सुनने के बाद आप चाहें तो इन सब वेब सीरीज या एपिसोड्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इट विल बूस्ट योर प्रिपरेशन, इट विल एनहांस योर प्रिपरेशन, और इट विल ब्रेक द मोनोटोनी ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद एक और बहुत बढ़िया एपिसोड का एक डॉक्यूमेंट्री है, प्लैनेट अर्थ बाय BBC। इसमें दो तरीके की बातें करेंगे, एक तो ये बात करते हैं करंट ज्योग्राफिकल इश्यूज की, और दूसरी तरफ ये बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री की। दिस इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड। आप, मैं जानता हूँ आप लोग कई लोग हैं जो GC लियांग पढ़ रहे हैं, कई लोग हैं जो NCERT जिला छत की पढ़ रहे हैं, यहाँ पढ़ चुके हैं। दीज आर द थिंग दैट विल ब्रेक दैट मोनोटोनी, दैट विल री एनर्जाइज यू, एंड दैट विल एनहांस एंड बूस्ट योर प्रिपरेशन, टेक इट फ्रॉम मी। उसके बाद जस्टिस बाय माइकल सैंडल, जरूर देखिए आप। जस्टिस बाय माइकल सैंडल का जो सीरीज है, ये आपके एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, बहुत 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 हाई लेवल की बातें हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से। यू शुड मेक नोट्स आउट ऑफ दीज वीडियोज, खास करके जस्टिस वाले वीडियो के लिए। आपको ये पेपर 4 में बहुत अच्छी तरीके से काम आने वाला है, एथिक्स के पेपर में। फिर एक और BBC की डॉक्यूमेंट्री आती है, गांधी रोड्स टू फ्रीडम। बिल्कुल देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आप समझ ही पाए होंगे कि गांधीयन एरा तो बात कर रहे हैं, मतलब टैपिंग द टाइम जोन फ्रॉम 1915 ऑनवर्ड्स। ठीक है, बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं। फिर एक आता है, ये जो दो मैं बताने वाला हूँ, ये नॉट नेसेसरी, ये आप देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते। जैसे नीरोज लेक्चर, गेस्ट लेक्चर बाय P. साईनाथ, ये एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है विथ रिस्पेक्ट टू द फार्मर सुसाइड्स इन इंडिया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें स्पेसिफिकली केस स्टडीज के साथ बताया गया। आप इसको ऐसे में यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, 100% यूज कर सकते हैं। इट्स अ ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस फार्मर सुसाइड्स, आप जरूर देखें इसको। इसके अलावा एक और आती है, मैंडेट विद डेस्टिनी।
मैंडेट विद डेस्टिनी जो है ये वीर सिंघवी जी का है। इसमें स्टोरी ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, आप इलेक्शन को किस तरीके से बताया जा रहा है, इलेक्शन इंडिया में आज तक किस तरीके से हुआ है, 1952 ऑनवर्ड्स द रोल प्लेड बाय द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दैट सुकुमार सेन, किस तरीके से ये चीजें डेवलप हुई हैं, बहुत सुंदर है। किस तरीके से इंदिरा गांधी ने गैग करने की कोशिश करी थी, आप एकदम हिस्ट्री को अलग अलग पर्सपेक्टिव में जान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब रही बात कुछ और मजेदार, कुछ और बॉलीवुड सॉर्ट ऑफ मसाला की, देखिए यहाँ पे मैं उन फिल्मों के बारे में बात करूंगा जो पर्टिकुलरली इंडिया में शूट किए गए हैं या इंडियन फिल्म्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस फिल्म्स विद रिस्पेक्ट टू द हॉलीवुड फिल्म्स और आउटसाइड इंडिया अब्रॉड के जितने सारे फॉरेन फिल्म्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कभी। अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन सी ऐसी मूवीज है जो इंसान को देखने ही चाहिए, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच प्लेस, फ्रॉम विच प्लेस दिस फिल्म इज बीन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ हिंदी फिल्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं गंगा जल जो पहला वाला पार्ट है, ऑफकोर्स देख सकते हैं सरफरोश, ये दोनों थोड़ा सा बॉलीवुड मसाला टाइप फिल्म्स हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन अगर इनको अवॉइड भी करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। इंस्पायरिंग है लेकिन ठीक है, आप देख सकते हैं गुड फिल्म्स, लेकिन जहाँ से सीखने लायक फिल्म आती है उसमें देखने मान लीजिए नील बटे सन्नाटा, नील बटे सन्नाटा ये एक इंस्पिरेशनल फिल्म है, नील बटे सन्नाटा जरूर देखिए आप। परजानिया, गोधरा राइट्स के बारे में अगर आप किसी को जानना है या राइट्स के सिचुएशन में, सिचुएशन कितनी बिगड़ जाती है सोसाइटी में, कितने तरह के टेंशंस मल्टीपल सोर्सेज से आते रहते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हो जाते हैं एक पर्टिकुलर इशू के, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं परजानिया इज अ ब्यूटीफुल फिल्म, खासकर इसका जो लास्ट पोर्शन है वाइल द ट्रायल इज गोइंग ऑन बिफोर द कमीशन, जरूर देखें आप। ब्लैक फ्राइडे 1993 से लेकर अयोध्या डिमोलिशन, ये पूरा इशू को आप जान सकते हैं इस फिल्म से, इट्स अ डार्क फिल्म लेकिन इट्स अ गुड फिल्म। इसके अलावा आप देख सकते हैं शंघाई, शंघाई की खासियत ये थी, शंघाई कुछ ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है अपने समय पे, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म इन टर्म्स ऑफ हाउ द मीडिया ब्यूरोक्रेट्स गैंगस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस, ये जो नेक्सस है इसको एक्सप्लेन किया गया है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट दैट वॉज गोइंग ऑन, उस प्रोजेक्ट को लेकर के सरकारी एक प्रोजेक्ट को लेकर के इर्द गिर्द ये स्टोरी घूमती है और आपको ये नेक्सस समझाया जाता है, इट्स अ गुड फिल्म आप जरूर देखें। कुछ डॉक्यूमेंट्री या फिल्म्स हैं जो पटेल के नाम से, पटेल जी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल देखिए आप, अंबेडकर के ऊपर है बिल्कुल देखें आप, विवेकानंद जी पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज हैं आप जरूर देखें, इन अ रेगुलर बेसिस आप देखते रहे, इट हेल्प यू टू गेट स्ट्रेंथ, जो मॉरल स्ट्रेंथ जो इनर स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं जरूर देखें। देखिए जितना आप अपने आप को अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे उतना दूसरे लोग आपको कम यूज़ कर पाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग अपॉर्चुनिटी टू अदर्स टू यूज़ यू, राइट, क्योंकि आप अपने आप को इतना यूज़ कर रहे हो अपने लिए कि आपके पास समय नहीं है, इनफैक्ट अदर पीपल आर नॉट गेटिंग देन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ यू, दैट शुड बी द मॉडल। कुछ और मूवीज़ हैं जैसे वेल डन अब्बा, इट्स अ पॉलिटिकल सटायर आप देख सकते हैं, मिर्च मसाला इज अ ब्यूटीफुल फिल्म ऑफ रूरल इंडिया वुमेन, हाउ द सिचुएशन वॉज, हाउ द सोसाइटी यूज टू फंक्शन, मिर्च मसाला आप जरूर देखें, बहुत सुंदर अभिनय किया गया है, एक्टिंग करी गई है नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल, जरूर देखें आप ये फिल्म। अर्थ 1947, इनकी एक सीरीज आई थी अर्थ वाटर फायर, उनमें से मैं सिर्फ अर्थ बोल रहा हूँ, अर्थ 1947 इज अ ब्यूटीफुल फिल्म पोस्ट इंडिपेंडेंट, इनफैक्ट जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1946-47 के बाद किस तरीके से इंडिया में राइट्स हो रहे थे, हाउ द सिचुएशन वॉज, जरूर देखें आप। और एक फिल्म आप बिल्कुल देख सकते हैं, ऑल टाइम फेवरेट है सबका, स्वदेश, ठीक है। तो अब मैंने इसको बनाने के लिए ना एक दिमाग में इसलिए आया, मैं ऐसे सोच रहा था सुबह, तो मैंने देखा कई सारे ऐसे क्वेश्चन आए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा भी कि सर हम 2022 के लिए अपेयर कर रहे हैं, बहुत समय है सिर्फ पढ़ाई के साथ और क्या क्या किया जाए, तो उनके लिए मैंने बनाया। इन पर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर लिखा गया है कि आप IAS बनने के लिए अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो ऐसे फिल्म आप देख सकते हैं, तो उसमें से 2-3 फिल्म मैंने देखी और मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं कहा ये देख के IAS IPS तो छोड़ो इंसान बनने मुश्किल हो जाएगा। जैसे उनमें फिल्म थी जैसे वांटेड, अब ये वांटेड देख के क्या मिल सकता है मतलब, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर बच्चे ऐसे सर्च कर रहे हैं गूगल पर, ऐसे सर्च हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये डॉक्यूमेंट्री और फिल्म दोनों अलग अलग करके आप लोगों को बताना जरूरी है, आप लोगों को देखना चाहिए, इनफैक्ट सिर्फ एस्पिरेंट्स नहीं बाकी लोग भी देख सकते हैं इसको, दीज आर सम गुड स्टफ, It will help you to grow your personality. जैसे हमने कहता है ना कि एक personality को develop करने के लिए बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, जैसे the people whom you mingle with, friends with whom you hang out with, the books you read, the films you watch, you know, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपकी personality develop होती है, which is a good thing, और it takes time, it's a gradual process. तो मेरे हिसाब से ये था आज का वीडियो, और एक और वीडियो आने वाला है आज ही अराउंड 8 or 9 ऑन इंडियन पॉलिटी, तो उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वो लाल बटन जो दिख रहा है नीचे उसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको अगर कोई भी इसमें एड ऑन चाहिए तो। थैंक यू सो मच।